ऐसा निकृष्ट आदमी मैंने नहीं देखा। यहां का पैसा लूट के वहां भेजने वाले छत्तीसगढ़ की जनता के साथ तुम अन्याय कर रहे हो, ये जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, किसी भी कीमत पे माफ नहीं करेगी। 12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने खैरागढ़ पहुंचे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बघेल पर कमीशन की सरकार चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, रमन सिंह ने चलाई मिशन की सरकार और भूपेश बघेल चला रहे हैं कमीशन की सरकार। सुनिए क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने। नरेंद्र मोदी पैसे भेजते हैं और ये उसी में परसेंट खा जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने चलाई मिशन की सरकार और भूपेश बघेल चला रहे कमीशन की सरकार। हर चीज के रेट तय हो गए। कलेक्टर की पोस्टिंग पैसा लेके होगी, रेट तय। एसपी की पोस्टिंग रेट तय। और गंडई वाले से तो ज्यादा ही पैसा लेता है सुना है मैंने। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहां हर चीज बिकती है। बिकाऊ बना दिया भूपेश बघेल, तूने सरकार को बिकाऊ बना दिया, शर्म नहीं आई तुझे। फिर बघेल के जिला बनवाने वाली बात पर भी शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। उन्होंने कहा, चुनाव आ गए तो बघेल आ गए। 24 घंटे में जिला बना दूंगा, चुनाव आ गए तो भूपेश बघेल आ गए। गांव गांव घूम रहे, सेवा करवा लो, जिला बनवा लो, जिला बनवा लो। अभी तक क्यों नहीं बनाया भैया। इसके बाद उपचुनाव के लिए भी बघेल की तरफ से जारी घोषणा पत्र पर भी देखिए किस अंदाज में भड़के हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या 29 या 36 घोषणा पत्र, धन्य रे मुख्यमंत्री, क्या उपचुनाव में मुख्यमंत्री घोषणा पत्र जारी करता है? घोषणा पत्र जारी हो रहा है, जो मांगोगे वही मिलेगा, पता नहीं क्या क्या ले लो, बस वोट दे दो। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। अभी तक ख्याल क्यों नहीं आया, ऐसा निकृष्ट आदमी मैंने नहीं देखा। मार पूरे हिंदुस्तान में, असम प्रभारी, उत्तर प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड प्रभारी। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बघेल के यूपी जाने पर भी तंज कसा और फिर कांग्रेस के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस की मौजूदा हालत की भी बात की। छत्तीसगढ़ को जब जरूरत पड़ी भग लिया दादा उत्तर प्रदेश, और मंत्री भी लगे पूरे उत्तर प्रदेश। काय के लिए, बोले सरकार बनाएंगे। और रिजल्ट आए तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीट मिली कांग्रेस को, हम दो हमारे दो। अब राज भी रह गए दो ही, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और वहां भी जूतम पैजार मची हुई है। जहां जा गए असम गए साफ, उत्तर प्रदेश साफ, उत्तराखंड साफ, पंजाब साफ। जहां जहां पांव पड़े भूपेश के, तह तह बंटा ढाल। भूपेश बघेल के राज में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर शिवराज सिंह चौहान ने बघेल के राज की और मध्य प्रदेश में अपने राज की तुलना की। सुनिए क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने। कल तो भेजूंगा, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, तबाह और बर्बाद करके पीस के रख दूंगा। यह माफिया राज चल रहा है मध्य प्रदेश में। जरूरत अगर कोई करता है तो टीवी में देखते हो गए। ऐसी हालत कर देता हूं कि जीने के बाद भी जीने के लायक नहीं रहते।
बताइए आप इन अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन भूपेश बघेल तुम्हारे राज्य में रैप हो रहा है, माता बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं, माफिया नंगा नाच कर रहे हैं, सजा माफियों को नहीं मिलती। डॉक्टर रमन सिंह को गिरफ्तार कर लो पुलिस वालों। डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्या कर दिया, सपने में भी रमन सिंह दिखता है, गिरफ्तार करो। बोले भूपेश बघेल ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे अन्याय के सामने डरते नहीं है। एक एक कार्यकर्ता इस अन्याय का बदला करके तुम्हें परास्त करके चैन की सांस लेगा। वहीं बघेल के राज में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने की शिवराज सिंह चौहान ने जनता से शिकायत की। प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए बघेल सरकार पर सवाल खड़े किए, कहा गरीबों के मकान का रुपया दिया ही नहीं, केंद्र ने तो सारा हिस्सा दिया लेकिन केंद्र का सारा पैसा लैप्स हो गया। इसके बाद गरीबों का सारा राशन हजम कर जाने के लिए भी शिवराज सिंह चौहान ने बघेल सरकार पर अपना गुस्सा निकाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गरीबों का राशन खाओगे तो जलकर राख हो जाओगे। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने बघेल राज में लोगों को आयुष्मान योजना का भी लाभ नहीं दिलवाने के लिए घेरा। ऐसी योजना जिसके जरिए प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों को मुफ्त में मिलता है। मुझे बताएं, इलाज विलाज भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई आयुष्मान योजना, और मेरी बहनों और भाइयों, गरीबों का भी 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री करवा के देने की योजना आयुष्मान भारत योजना। डॉक्टर साहब 2,62,00,000 कार्ड हमने बनाए, गरीबों का इलाज फ्री में हो रहा है। यहां हो रहा है क्या बताओ? अरे जोर से बताओ, हो रहा है क्या? बारे भूपेश बघेल, गरीबों का इलाज भी खा गया तू। जल जीवन मिशन का पैसा भी खाए, और मुझे अजय चंद्राकर बता रहे थे सड़क पैसा नहीं है, पुल पुलिया पैसा नहीं है, स्कूल अस्पताल पैसा नहीं है। अरे बताओ गंदई वालों, कोई विकास का काम हुआ क्या 3.5 साल में? अरे जोर से बताओ, हुआ क्या? पैसा नहीं है। तो कुछ इस अंदाज में खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल पर बरसे शिवराज सिंह चौहान। हालांकि भूपेश बघेल ने भी शिवराज सिंह चौहान को जवाब दिया है। भूपेश बघेल ने पूछा है कि मामा जी के यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विधायक देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद से खाली खैरागढ़ विधानसभा सीट पर इस महीने की 12 तारीख को उपचुनाव होगा। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे छत्तीसगढ़, और यहां से भूपेश बघेल सिंह सरकार पर जमकर बरसे हैं। वैसे आपकी नजर में छत्तीसगढ़ के लिए किसकी सरकार बेहतर है, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। काय का एटीएम है? अरे भैया जोर से बताओ, कौन के एटीएम है? यहां का पैसा लूट के वहां भेजने वाले, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ तुम अन्याय कर रहे हो। ये जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, किसी भी कीमत पे माफ नहीं करेगी।